Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th. Smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. मेरठ के कमिश्नर चौराहे के पास सीएमओ कार्यालय के बाहर हजारों आशा कार्यकर्ताओं महिलाओं ने लगाया जाम। लंबे समय से मानदेय ना मिलने पर आशा महिलाओं ने सीएमओ से लगाई गुहार। गुहार लगाते हुए आज सोमवार को सीएमओ कार्यालय के बाहर जाम लगाकर धरना देते हुए ज्ञापन सौंपा। एक बार फिर से बता दें, मेरठ के कमिश्नर चौराहे पर एक निश्चित मानदेय को लेकर सैकड़ों की तादाद में आशा बहनों ने विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञापन में आशा बहनों ने गुहार लगाते हुए लिखा कि हम आशा बहनों का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा, हमारी कितनी मेहनत की कमाई है जो जनवरी 2022 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। आशा बहनों का कहना है कि क्या अपना हक मांगना जुर्म है। उनका कहना है सब बहनों के लेटर बनवा दिए गए हैं और हमारा शोषण किया जा रहा है। अगर हमारी मांगे पूरी कर दी जाती हैं तो संचारी रोग का जो अभियान चला रखा है हम उस पर लौट जाएंगे, और धरने के दौरान जो दूसरा शनिवार टीकाकरण छूटा है उसे भी कराने की कृपा करें। आशाओं ने आगे लिखा कि शहर वाली आशाओं का पेमेंट नहीं पहुंचा है और ब्लॉक वाली आशाओं के 2 से 3 मंथ के 1500 रुपए आ गए हैं। देखिए आशा बहनों की सीएमओ से झड़प। मेरे हाथ में जो चीज़ है मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ और कहीं से कहीं देखिए फर्स्ट बाइट टीवी की आशा बहनों से खास बातचीत। निर्मेश त्यागी मंडल अध्यक्ष खरपोता बिलोक आशा उसमें जान लगाया कोलंबा। सीएमओ सर के यहाँ सुबह से चिंगारते बुलाते बुलाते हमें यू टाइम होगा, हमें मजबूर कर दें सड़क पे बैठने के लिए, रास्ता जाम करने के लिए। अच्छा तो क्या मांगे हैं आपके, किसमें जान लगाए? हमारी एक ही मांग है, राष्ट्रीय कर्मचारी घोषित करो। ये कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारा 5-5, 10-10 रुपए करके हमारे 2-4 हजार रुपए जुड़ जाए, कम से कम उसका हमारे को टाइम तो देखते रहो। कविता सर, हमारा एक तो मानदेय नहीं मिल रहा, 3-3 महीने हमारी सैलरी को रुके हो गए। हम फ्री का काम करते हैं ज्यादातर, 2-3 घंटे की हमारी ड्यूटी है। हम फ्री का काम नहीं करेंगे। हमें सरकारी घोषित करें, हमारा मानदेय परमानेंट करें, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित कर देंगे गवर्नमेंट को जरूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुणा सिंह है। कहाँ से हो? हम कंकड़खेड़े से हैं। इसलिए जाम लगाया क्यों आए हैं आज? भैया हमने इसलिए जाम लगाया क्योंकि हमारी 3-3 महीने सैलरी को रुके हो जाता है, हमारा कोई मानदेय नहीं है। हमें कहते हैं कि आप काम करें जाओ, बस हम जो भी काम करते हैं हमें पूरा पैसा नहीं मिलता उसका। तो अगर यहाँ पर आपकी मांगे पूरी नहीं तो क्या करेंगे? हम तो यही रह जाएंगे, लोड में बैठ जाएंगे। केवल हमारा ये है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, टुकड़ों में पैसा नहीं चाहिए, हमें केवल एक निश्चित मानदेय चाहिए कि जैसा सबका होता है। हमें टुकड़ों में पैसा दिया जाता है कि 75 किसी चीज के और 50 किसी चीज के और 100 किसी चीज। देखिए फर्स्ट बाइट टीवी की सीएमओ अखिलेश मोहन से बातचीत। बता दीजिए, करीबन 3 घंटे से जाम लगाया हुआ है, पब्लिक परेशान है, ये कह रहे हैं कि बार बार आ भी गए हैं आपके पास, इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, क्या मांग है? बेसिकली हमारी आशा बहनों की जो मांग है एक निश्चित मानदेय के लिए है। तो मैं आपके द्वारा ये कहना चाहता हूँ इनको कि ये मेरे हाथ में नहीं है, इनके द्वारा जो मेरे को ज्ञापन दिया गया है मैं शासन पे रिकमेंड फॉरवर्ड कर दूंगा, और यही मैं कर सकता हूँ। जो मेरे स्तर का काम है, मेरा घर की बात है, कहीं कोई कमी है इनकी पूरी बात मान के पूरा ठीक किया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को